तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपके गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। तो दोस्तों अब यहां पर एयरटेल आइडिया और वोडाफोन की सर्विसेज बंद हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पर यहां पर आ गया है कि अब यहां पर आपका जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन है उसकी सर्विसेज यहां पर बंद हो जाएंगी। इसलिए बंद हो जाएंगी क्योंकि यहां पर जो इसका रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और ऐसे यहां इसी समय यहां पर जब जियो यहां पर एक बेहतरीन प्लान्स लेकर आता है, जैसे आपका हो गया 49 रुपीज़ वाला ऑफर, साथ ही साथ यहां पर आपका हो गया एक 98 रुपीज़ वाला प्लान, तो जब ये प्लान्स लाता है तो यहां पर जितने भी इनके यहां पर ऑपरेटर्स के जो कस्टमर्स हैं वो यहां पर जियो की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहां पर अब ये आइडिया वोडाफोन एयरटेल अपना ये जो सर्विसेज है वो बंद करने वाला है, ऐसा यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पर लिख के आया है, और ये बंद कर सकता है। दोस्तों क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पर देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो है यहाँ पर जो क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो यहाँ पर जो हेडलाइन बड़ी बड़ी छपी है वो है ये है कि रिलायंस जियो ₹49 पर मंथ ऑफर में फोर्स एयरटेल वोडाफोन आइडिया टू शिफ्ट टू वोल्टी 4G। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये एकदम लेटेस्ट है, आज की डेट में आया है, और आप देख ही सकते हैं लाइन जियो ₹49 पर मंथ ऑफर में फोर्स एयरटेल वोडाफोन आइडिया टू शिफ्ट टू वोल्टी 4G, और ये अभी अभी एकदम छपा हुआ है, ये आर्टिकल अभी अभी आया है आज की डेट में। तो इसमें लिखा क्या हुआ है कि यहाँ पर अब ये अपनी जो सर्विसेज हैं, अगर कोई भी कॉल करते हो इन ऑपरेटर्स के द्वारा, और आपका मतलब इनका ऑपरेटर्स के आपके पास जो एरिया है वहाँ पर इनकी 4G नेटवर्क अवेलेबल भी है, तब भी यहाँ पर आप जो भी कॉल करते हो वो 2G नेटवर्क से ही जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका जो इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर घट रहा है, और साथ ही साथ इनकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब आप कॉल करते हो वो 2G नेटवर्क के द्वारा ही यहाँ पर आपकी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जियो है वो यहाँ पर यूज़ करता है वोल्टी बेस्ड 4G नेटवर्क। तो यहाँ पर आप मतलब जियो जो है वो काफ़ी उसको कम यहाँ पर कॉस्ट जाती है, और यहाँ पर आपका जो एयरटेल वोडाफोन आइडिया है यहाँ पर कोई कॉस्ट ज़्यादा लगती है। और दोस्तों यहाँ पर जो जियो है वो हम लोग को प्रोवाइड कराता है वो वोल्टी बेस्ड 4G नेटवर्क, जिसके कारण मतलब जियो की जो कॉस्ट है वो कम लगती है, और इसीलिए यहाँ पर जियो हम लोग को अनलिमिटेड कॉल यहाँ पर दे पा रहा है, हर चीज़ अनलिमिटेड यहाँ पर प्रोवाइड करा पा रहा है। साथ ही तो दोस्तों इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब आइडिया एयरटेल वोडाफोन को अपनी जो यहाँ पर 2G बेस नेटवर्क है उसको यहाँ पर वोल्टी 4G में कहाँ पर शिफ्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तो जियो फोन के लिए जो जियो की तरफ से ₹49 का प्लान लॉन्च किया गया, सबसे लोवेस्ट प्लान यहाँ पर आपका हो गया है, ताकि कोई भी ऑपरेटर हो आइडिया और वोडाफोन एयरटेल कोई भी ऑपरेटर हो ऐसा प्लान अब तक कोई लॉन्च नहीं कर पाया, सबसे चीपेस्ट सबसे लोवेस्ट प्लान है, जिसमें कि आपको 28 डेज की LTE मिलती है, अनलिमिटेड यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 GB हाई स्पीड डाटा भी आपको मिलता है, जो कि जियो फोन में अगर आप उसको अपने आप जियो फोन में कराते तो वहां पर आप उसका यूज लाभ उठा पाएंगे। तो जितने भी यहां पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स हैं जो 2G वहां पर उनका यूज कर रहे हैं, और वो सब यहां पर अब शिफ्ट कर रहे हैं जियो पे, क्योंकि यहां पर जियो फोन में काफी अच्छा प्लान निकल के आता है, जिसके कारण आपको एयरटेल वोडाफोन आइडिया को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान भुगतना। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर JP Morgan ने भी कहा है कि जो जियो है वो यहाँ पर आपको 30-50% तक आपको सस्ती सर्विसेज यहाँ पर अदर ऑपरेटर से दे रहा है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो। तो यहाँ पर जियो फोन सही में रियली में बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये आपको जो दूसरा प्लान है ये तो जियो फोन के लिए प्लान था, लेकिन आपका जो 98 रुपीज़ का प्लान है जो कि दूसरे लोगों के लिए, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन प्लान निकल के आता है। तो दोस्तों जो फाइनली मेरा ओपिनियन यही निकल के आता है कि जियो यहाँ पर जो भी कर रहा है और जो भी ऑफर ला रहा है, जो भी यहाँ पर नए नए फेस्टिवल आ रहे हैं और उनके लिए बेहतरीन ऑफर ला रहा है, ऐसे ऑफर ला रहा है जो अदर ऑपरेटर्स कभी लाए नहीं, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, तो सबसे बेहतरीन ऑफर्स लेकर आ रहे हैं और सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतरीन हम लोग को यहाँ पर वैलिडिटी दे रहा है, डाटा दे रहा है, अनलिमिटेड कॉल्स दे रहा है, तो जो कि अदर ऑपरेटर्स कभी उसको मतलब पकड़ नहीं पाएंगे और पीछा उसका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रिलायंस जो सबसे आगे यहाँ पर चल रहा है। अब बात यही करते हैं कि जियो जैसे हम लोग को जो आपकी वोल्टी बेस्ड 4G सर्विसेज हम लोग को दे रहा है, तो दोस्तों क्या यहाँ पर आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइए कि यहाँ पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया जो है वो बहुत जल्दी यहां पर अपनी 2G सर्विसेज बंद कर सकता है, इसको देखते हुए, क्योंकि सब शिफ्ट कर रहे हैं अब जियो की तरफ, तो उनके जो 2G सब्सक्राइबर्स हैं और उनका जो नेटवर्क है वो वहां पर उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो सब शिफ्ट कर रहे हैं जियो की तरफ, जियो फोन की तरफ, और जियो मतलब की तरफ ही यहां पर उनके सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो क्या यहां पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एयरटेल वोडाफोन आइडिया को यहां पर अपना जो 2G सर्विसेज को बंद कर देना चाहिए और यहां पर 4G वोल्टी बेस्ड मतलब यहां पर
उनको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वोल्टी बेस्ड 4G सर्विसेज में उनको यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि अब एयरटेल वोडाफोन आइडिया यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं वोल्टी 4G में। तो यही उम्मीद थी दोस्तों, अगर आज वीडियो आप लोग को पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।